नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्रेलिक कलर से स्टिल लाइफ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक्रेलिक कलर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों, एक्रेलिक कलर भी वाटर बेस्ड कलर होता है, इसका प्रयोग हम वाटर कलर की तरह ही करते हैं। दोस्तों, एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए आप उतना ही कलर ट्यूब से बाहर निकालें जितना कि आपको उस समय यूज करना हो, वरना वो सूख जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और आप जिस ब्रश से कलर कर रहे हो, कलर करने के तुरंत बाद उसको धुल लें, वरना कलर ब्रश में ही सूख जाएगा और आपका ब्रश जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, मैंने इसमें शेडो दिखा दिया है पेंसिल से ही, आप भी ऐसे कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको शेडो दिख रहा है वहाँ पर आपको शेडिंग कर देनी है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक पतले लेयर से एक्रेलिक के उस पर कलर कर देना है, जिससे कि आपके जो पेंसिल की ग्रेफाइट हो उसकी शेडिंग आपको कलर करते समय उसमें मिक्स ना हो। कुछ इसी तरीके से आपको इसमें कलर फिल कर देना है अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्टिल लाइफ में कलर भरना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी एक ऑब्जेक्ट को चुन लेते हैं जिसमें आपको कलर करना हो। चलिए दोस्तों, मैं इसमें ऑरेंज को कलर करूँगा। इसके लिए हम ऑरेंज का डार्क टोन बना लेते हैं। जहाँ जहाँ हमको डार्क दिख रहा है वहाँ हम डार्क टोन फिल कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लाइट टोन बनाएंगे और जहाँ जहाँ हमको लाइट दिख रहा है वहाँ वहाँ इसको फिल कर देंगे। दोस्तों, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहले डार्क कलर फिल कर लीजिए, उसके बाद उसका लाइट टोन बनाइए और उसके बाद उससे लाइट टोन, ऐसे ही स्टेप टू स्टेप काम करिए। दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना अच्छे से आ जाए।
दोस्तों कुछ इसी तरह बाकी के ऑब्जेक्ट में भी आपको कलर फिल कर लेना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।